Hi students, how are you? In this video, we will explain the remaining part of the lesson, A Girl with the Basket, written by William C. Douglas. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. बे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे या अपने हाथों के बने हुए पंखे बेच रहे थे उन शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे बंटवारे के बाद, जैसा कि हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। दे और दियर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता और रिलेटिव्स या इनके संबंधी हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहर में इकट्ठे हो चुके थे, सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें खोल चुके थे, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कर रहे थे, सिंपल आर्टिकल्स, बड़ी सामान्य चीज़ों का, जरूरत की चीज़ें लोगों के, जैसे पंखे हैं, टोकरी हैं, चटाई हैं, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग और एक जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो उन लोगों के आने से पहले से ही भरी हुई थी और पहले के लोगों के अनुसार वहाँ दुकानें रही होंगी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, वे घास के बनाए हुए या कपड़े के बनाए हुए तंबुओं में, छपरों में रह रहे थे और गलियों में लाइन से उन्होंने अपने छोटे छोटे रहने के स्थान बना लिए थे। द पीसेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैड बीन फार्मर्स, देयरफॉर वी कैन से दैट अमंग दोज रेफ्यूजीज मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर फार्मर्स, हैड बीन अकस्टम्ड, दे आर हैबिचुअल, यू नो, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द एवरेज इनकम ऑफ अ फार्मर इन इंडिया दैट पीरियड वॉज नियर अबाउट $100 अ ईयर। राइटर ने अंदाज़ा लगाया कि भारत के उस वक़्त के किसान का सालाना जो आय है, कमाई है, वो $100 के आसपास रही होगी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, दूसरी ओर एक मजदूर, अनस्किल्ड लेबर, अकुशल श्रमिक, एक मजदूर, डेली वर्कर हम कह सकते हैं, उसकी एक दिन की कमाई 30 सेंट्स, एक डॉलर में 100 सेंट तो 30 सेंट्स, और लेस देन $2 अ वीक, या एक हफ्ते में इस तरीके से वो $2 के आसपास कमा सकता है। परहैप्स देर इज वन मील अ डे, दिन में एक टाइम का खाना, एन अनियन, प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा, अ बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरी दाल या थोड़ा दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, थोड़ा बहुत पनीर। यहाँ पर राइटर अपने देश के अनुसार एक आइडिया लगा रहा है कि भारत के लोगों का खाना कैसा होगा, क्योंकि अगली लाइन में वो कंपैरिजन देखिए क्या कर रहा है, नो टी नो कॉफी, ही इज इमेजिनिंग अबाउट नो टी नो कॉफी नो फैट नो स्वीट्स नो मीट। Writer says, in the meal of an Indian that time has no tea, coffee, sweet, meat, etc. वो कह रहा है ना तो मिठाई उनके खाने में थी, ना कॉफ़ी, ना चाय। $100 a year is not $2 a week. अगर $2 का औसत आता है हफ्ते में तो लगभग $100 के आसपास बैठता है, कम या ज़्यादा। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, फिर भी ये थोड़ी सी रकम कमाना या राशि कमाना टफ था, मुश्किल था उन शरणार्थी बच्चों के लिए, उन शरणार्थी परिवारों के लिए, बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल, उन लोगों को टोकरियाँ बेचने में, टू पुअर टू बाई देम, जो ग्राहक हैं, खरीदार हैं, वे भी उतने ही गरीब हैं या शायद ही और ज़्यादा गरीब हैं उन लोगों के जो इन चीज़ों को बेच रहे हैं।
We can say the condition of those days was the same for the buyers as well as the sellers. That no doubt is the reason. इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था. These little children descended on me like locusts. कि बच्चे राइटर पर ऐसे टूट पड़े जैसे फसलों पर, तैयार फसलों पर टिड्डियाँ टूट पड़ती हैं. I an American was doubtless the most promising market they had seen, because according to the author, he was a very promising market. उन लोगों के लिए कि इतना अच्छा ग्राहक था एक विदेशी, एक अंग्रेज, कि उन्हें लगा कि उन सबके सामान ये अंग्रेज खरीद सकता है. I bought one tiny basket for a few anas. राइटर ने एक छोटी सी टोकरी खरीदी कुछ आनेज में. उस समय आने चलते थे, एक रुपए में 16 आने, 50 पैसे को कुछ साल पहले तक हम लोग 8 आना, 25 पैसे को 4 आना कहते थे. एक सॉन्ग आपने शायद सुना होगा, 5 रुपया 12 आना. तो दोज डेज इट वॉज अबाउट द पीरियड ऑफ अनाज. अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर. एक दूसरी फलों की टोकरी खरीदी कुछ ज़्यादा पैसे की. अ ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी. एक सुंदर सी रद्दी की टोकरी खरीदी 1 रुपए में. अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी. एक बड़ी अच्छी बुनी हुई टोकरी खरीदी वो भी 1 रुपए में. अ फ्यू अनाज फॉर एन फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस. एक एक आने में 2-2 पंखे मिल गए या उससे ज़्यादा भी. माई आर्म्स वर फिल्ड. राइटर सेज दैट ही हैड बॉट सो मैनी थिंग्स दैट हिज arms were filled with all those things bought by the author from those refugee children. And I had spent not 50 cents. Writer ne sirf 50 cent kharch kiye ya isse bhi kuch kam. It means half of a dollar. The children passed in shouting their words. Bacche aage badh rahe the, चीख रहे थे. उनके हाथ में जो सामान था वो उन्हें लेकर हाथों में उठाए हुए थे. आई वॉज अ प्रिजनर. दैट टाइम द राइटर वॉज लाइक अ प्रिजनर सराउंडेड बाई ऑल दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन. उन सब बच्चों ने राइटर को ऐसे घेर रखा था जैसे वो एक कैदी हो. कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव. ही वॉज नॉट इवन अनेबल टू मूव हिमसेल्फ. वो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 in front of me. But among those lovely kids, lovely children, there was a very aggressive and beautiful seller, vendor. It was a girl of 9, just in front of the author. एक 9 साल की बच्ची राइटर के ठीक सामने खड़ी हुई है. वो राइटर को बड़ा अट्रैक्ट कर रही है. She had a lovely basket with a handle. बड़ी सुंदर सी टोकरी है, इसमें हैंडल है. एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स. एंड शी वॉन्टेड टू सेल हर बास्केट फॉर 1.5 रुपी. 1.5 रुपया मांग रही है या अकॉर्डिंग टू द ऑथर 30 सेंट. थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो अंदाजा लगेगा कि उस टाइम 30 सेंट के बराबर 1.5 रुपया, तो लगभग या $1 ₹5 के बराबर उस टाइम करेंसी का जो देखें आप कंपैरिजन, आज लगभग 75 प्लस है. तो आप देख सकते हैं कि इस 70 सालों के आसपास जो हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो लगभग 15 times नीचे गिरी है. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर. शी वॉज रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट कर रही है. She was trying her level best to buy that particular beautiful basket. वो अपनी सुंदर सी टोकरी बेचने की पूरी कोशिश कर रही है. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू हैं थे. She pleaded, she requested, she and begged and urged. उसने प्रार्थना की, request की, in tones that would ring any heart. एक ऐसी टोन में, एक ऐसी लय में, एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे ढंग से जो किसी के भी हृदय को पिघला सकता है, झकझोर सकता है. My arms were full and I had no room. Writer says that
His arms were full and he had no place to keep those things. Let along any need. और ना उससे कोई और basket की ज़रूरत है for another basket. Balancing my baskets and fans on my left arm. अपनी टोकरी और पंखों को मैंने बाएं हाथ में संभाला. I reached into my right coat pocket. दाहिनी तरफ की जेब में मैंने अपना हाथ डाला. And got a handful of change. लगभग अपारा 15 सेंट्स इन और लगभग 15 सेंट्स के आसपास 75 पैसे रहे होंगे इंडियन. मैंने निकाले टूटे हुए पैसे. Which I deposited in the basket that the young girl held imploringly, requestingly before me. वो बच्ची जो बड़ी प्रार्थना पूर्वक अपनी टोकरी मेरे सामने रखी हुई थी, राइटर कह रहा है, उसमें उसने वो पैसे डाल दिए. I tried to explain, writer tried to explain, tried to convince the girl of 9-year-old. समझाने की कोशिश की, प्रयास किया. That I could not buy the basket. कि वो उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता. बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्स्टिट्यूट. बट उसके बजाय वो कुछ मदद करना चाहता है पैसे से इसकी. आई रियलाइज एट वंस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन. राइटर यहाँ पर कहता है कि जैसे ही मैंने वो पैसे उसकी टोकरी में डाले, उसका जो रिएक्शन आया उस बच्ची की आंखों में, एट दैट मोमेंट द राइटर हैड अंडरस्टूड वॉट क्राइम ही हैड कमिटेड. उसे अंदाजा हो गया उसने कितने बड़ा जुर्म कर दिया, पाप कर दिया. दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है किसी स्वाभिमानी के आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना. दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स. ये छोटी सी 9 साल की बच्ची चीथड़े पहने हुए थी. ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी छुट्टी अपने चेहरा उठाया. रीच्ड इन टू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला. एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, विद अ ह्यूज प्राइड एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड लेडी, एक भद्र परिवार की महिला की तरह सम्मान के साथ, बड़े ही आकर्षक ढंग से उसने पैसे लिए पूरे स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ. हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो पैसा मुझे वापस कर दिया. There was only one thing I could do. अब राइटर के पास एक ही रास्ता बचा था अपना सम्मान बचाने का भी. I bought the basket. I think I must say the writer had to buy the basket. अब राइटर को टोकरी खरीदनी ही थी. She wiped her eyes, उसने आंसू को पोंछा, आंखें पोंछी, smiled, मुस्कुराई and dashed down the platform. और प्लेटफॉर्म पर फिसलती हुई चली गई, भागती हुई. Headed for some grass hut, उस घास की झोपड़ी की तरफ उसका रुख था. That would have at least 30 cents that night, जिसकी उस रात की कमाई शायद 30 सेंट या 1.5 रुपया रहा होगा. I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को सुनाई. I told him it was one reason I had fallen in love with India. The writer told पंडित जवाहरलाल नेहरू that it was a huge reason that he had fallen in love with India and Indian people. भारत के लोगों से जो उन्हें स्नेह हुआ, भारत की मिट्टी से जो उन्हें प्यार मिला, जो प्यार देखा उन्होंने अपने देश के प्रति, एक आदर सम्मान, उस वजह से उन्हें भारत से प्रेम हुआ. ये उन्होंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को. The people I saw in India, जो लोग भारत में देखे राइटर ने, those in the village as well as those in high office, चाहे वो गांव में रहने वाले कम पढ़े लिखे लोग रहे हों, अशिक्षित लोग रहे हों, या शहरों में रहने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहे हों, have both pride and lively sense of decency and citizenship. According to the author, both the people, either from the village or from the cities, they had self-respect equally. उनमें देश के प्रति सम्मान और आत्मसम्मान, आत्मगौरव एक जैसा दिखाई दिया. दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. और भारत की स्वतंत्रता के बाद का ही समय था कुछ दिनों का, देश में आज़ादी का, और उन लोगों को अपने एक आज़ाद भारत का या एक स्वतंत्र देश का नागरिक बनने का एक बहुत स्वाभिमान उनके अंदर, एक गौरव दिखाई दिया.
दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न स्कॉलर एंड पुअर्टी, वो 9 साल की प्यारी सी बच्ची जो गरीबी में पैदा हुई, गंदगी में पैदा हुई, अनएडुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अशिक्षित थी, हायर क्लास में उठी बैठी नहीं, बहुत अच्छे सभ्य और पढ़े लिखे परिवार में उसका संबंध नहीं, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, लेकिन उसमें मुझे एक झलक दिखाई दी, द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा की, भारत की ज्वलंत आत्मा की झलक उस 9 साल की बच्ची ने दिखाई दी उस राइटर को। तो हम ये कह सकते हैं आखिर में कुल मिलाकर इस लेसन का जो कंक्लूजन है कि अ 9-year-old गर्ल मेक द राइटर थिंक अबाउट इंडिया एंड इंडियन पीपल दैट दे ऑल और वी ऑल हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र से कितना प्रेम है, आदर है, सम्मान है, कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बार बार देखिएगा, समझ में ना आए तो बार बार देखें और अपना लेसन तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।